आज रासलीला है। तो अभी कार्तिक खत्म होने वाला है, कार्तिक खत्म क्या हो ही गया, बस आज लास्ट दिन है। तो अब सब लोगों ने अपने अपने वाउज लिए होंगे, अब व्रत लिए होंगे, आज उनको पूरा करने का अंतिम दिन है। तो उसके बाद वो अपना जनरली जो अपना शेड्यूल होता है वो फॉलो नॉर्मल कर सकते हैं। बट ये हमारे ऐसे वैष्णव जो हमारे प्रभुपाद अनुकाज हैं, तो उसके लिए मतलब ऐसा देखना चाहिए कि इसको एक इम्पेटस होता है, एक जैसे पुशिंग बोलते हैं ना, कई बार भक्ति में गाड़ी अटक जाती है, तो कार्तिक में क्या होता है उसको थोड़ा पुश करने के लिए, हमारी भक्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये है। जैसे गांव में होता है कि कई बार लंबा सफ़र होता है तो रोड पे साइकिल चलाता है, वो थक जाता है, तो पीछे से ट्रक आ रहा होता है, वो ट्रक को साइड से पकड़ लेता है वो। अब वो अपनी स्पीड तो कुछ नहीं मेंटेन रखता है, लेकिन ट्रक की स्पीड के साथ वो भी अभी अपना बढ़ते रहता है। अब फिर वो कुछ देर बाद ट्रक साइड हो जाता है, वो किसी दूसरे रास्ते तो छोड़ देता है, फिर अपना आगे स्पीड में चला जाता है। तो इसीलिए इसी तरह कार्तिक मंथ भी हमें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, भक्ति में जो भी हमारे दिक्कतें आ रही हैं, जो भी हमारे रुकावटें आ रही हैं, उसको लेके हम लोग थोड़ा गंभीर बने। और कार्तिक की विशेष कृपा है, कार्तिक महीने मास की राधा रानी का ये मंथ है, तो इसमें कोई भी आप व्रत लेते हैं वो अल्लादिनी शक्ति के डायरेक्ट प्रोटेक्शन में होता है वो। और दूसरा, अगर किसी को टेस्ट करना है कि भाई मैं मतलब इस मंथ की विशेषता क्या है, तो कुछ ना करे, बस वो 15-20 दिन को अपने भाव को एक्सटेंड कर दे, तो अपना पता लग जाएगा कि मतलब कितनी कठिनाई होती है 15 दिन और एक्सटेंड करने में अपने भाव को। तो इसलिए कि कार्तिक मंथ में बहुत स्पिरिचुअल पोटेंसी है। और ऐसे प्रभुपाद जी को जो डेडिकेटेड डिवोटी है, वो किसी मंथ का वेट नहीं करते कि इस मंथ में मैं जो है भक्ति को तीव्र करूँगा या इस मंथ में मैं और अच्छे से करूँगा। वो हमेशा निरंतर अपनी भक्ति को तीव्र इन भक्ति योग इन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं सॉरी प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं कि मैं आपके बदले में कुछ लूँगा, लेन देन नहीं करूँगा। जैसे हमें भी एज ए बिजनेसमैन की तरह नहीं होना चाहिए। वैसे तो स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हो सकते हैं कि भाई कार्तिक में इतना सारा मतलब हमारा बोनस मिल रहा है, वो ले सकते, बट स्टिल कार्तिक चला गया तो चलो उसी उस प्लेटफॉर्म पे आ गए, नहीं भाई अगला कार्तिक आएगा तो फिर हम ले लेंगे बहुत ज़्यादा क्रेडिट, उसके बाद फिर नहीं, ऐसा नहीं है। एक इम्पेटस के रूप में लेके इसको आगे बढ़ें, भक्ति को अपनी और आगे बढ़ाएं। तो आज अंतिम दिन है और उसके बाद कार्तिक का इस साल का 2022 का, तो आज रासलीला शुरू होगी, तो भगवान कृष्ण का रासलीला है। तो हम लोग भी थोड़े दिनों में रासलीला में एंटर करने वाले हैं, अपनी रासलीला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक इन समाधि इन कृष्णा सर्विस, तो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं राधा गोविंद जी से, सीताराम लक्ष्मण पंचतत्व से, सारे वैष्णवों से, कि भगवान के द्वारा जो भक्ति मतलब ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, राधा रानी से ही ये आ रहा है ये पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो उसके लिए हम विशेष रूप से तैयार रहे हैं अगले महीने में। बहुत विशेष, इससे भी ज़्यादा विशेष है, क्योंकि ये तो अपने लिए है कार्तिक मंथ, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरों के लिए है, मतलब परोपकार, जीवे दया वैष्णव सेवा नामे रुचि, तो जीवे दया का सबसे अच्छा अवसर है और आचार्यों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा अवसर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन या मैराथन का टाइम। तो उसमें हम लोग अपनी पूरी आचार्य परंपरा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अभी जैसे इसमें मैं थोड़ा रासलीला मतलब रासलीला क्या बोलूँगा, बट थोड़ा मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था कि क्या है रासलीला, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं रासलीला के बारे में। तो उसके बाद हम आज जो थोड़ा डिस्कशन होगा वो निंबार्काचार्य जी के बारे में होगा। थोड़ा निंबार्काचार्य जी के बारे में हम लोग जनरली कम जानते हैं और रिसोर्सेज भी कम अवेलेबल हैं, पर जहाँ तक मिला वो असेंबल करके फिर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो रासलीला में जैसे कोई सोच सकता है कि ये मंडेन है, मतलब एक बाहर के लोग तो यही सोचते हैं, कि इवन हमारे मन में भी कई बार डाउट आ जाता है कि मतलब रासलीला कैसे टॉप मोस्ट हो सकता है, पूरे गोलोक का पूरे स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे टॉप मोस्ट अचीवमेंट क्या है। प्रभुपाद जी कहते थे वी हैव टू इंटर इनटू रासलीला।
तो कैसे टॉप मोस्ट है? कि बाहर के लोग तो बोलते हैं कि ये तो मंडेन अफेयर्स है, हम भी ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते हैं, वो भी कृष्णा भी ऐसे कर रहे हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? तो ये थोड़ा थोड़ा हमें सोचना चाहिए इसमें, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए या दूसरों को बताने के लिए भी, कि भाई अगर ये मंडेन होता तो शुकदेव गोस्वामी जब वो अपनी माता के शरीर, पहले तो निकल ही नहीं रहते माता के शरीर से, 12 साल तक वो कहे कि मैं इस संसार में नहीं पढ़ना चाहता, फिर भगवान ने आश्वासन दिया तो माया में नहीं गिरोगे, तब जाके वो गए और सीधा वो वन की तरफ निकल गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो पीछे उनके पिता चिल्लाते रहे और तो पेड़ भी उनकी प्रतिध्वनि में वो भी चिल्लाते रहे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद पूरा उनको ये भी ध्यान नहीं था कि ये शरीर भी मैंने धारण कर रखा है, तो इतना टोटली ब्रह्म में मर्ज थे वो। तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्राइब कर रहा है उस रासलीला को, और सुन कौन रहा है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्या, उन्होंने पूरे मतलब जब उन्हें पता लगा कि जब उनकी मृत्यु होने वाली है, तो सब कुछ छोड़ के, इवन अन्य जल तक छोड़ के वो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठ गए और वो सुन रहे हैं उनको। तो उनके लिए अब वो क्यों सुनेंगे, जब उनके पता है कुछ दिनों में उनका शरीर तक्षक उनको डसने वाला है, तो वो क्यों सुनेंगे? लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं। चलो ये भी कोई सोच सकता है कि वो ठीक है, वो चर्चा कर रहे होंगे, तो अब बैठा कौन था उनके असेंबली में? नारद मुनि बैठे थे, स्वयं भक्ति के इनकारनेशन है। और कौन बैठा था? व्यास देव जी बैठे थे, सारे ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में सुखदेव गोस्वामी वो रिसाइट कर रहे थे ये रासलीला। और चलो ये भी सोच सकता है, और ये भी सोचता है चलो इसको भी नहीं माने कोई तो, बट वो कहाँ पे कर रहे थे? इतनी पवित्र भूमि है वो, गंगा नदी के किनारे वो भागवतम का रिसाइटेशन कर रहे, तो कैसे मंडेन हो सकता है? तो इसलिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमको ऐसे गौड़िया वैष्णव या तो पूरा बॉयकॉट कर दो, दो एक्सट्रीम है इसमें, तो पूरा बॉयकॉट करो इसको, बिल्कुल ही ना मतलब डिस्कस भी ना करें, या फिर हम लोग ओपनली डिस्कस करें सबके सामने, तो दोनों चीज़ें ही एक्सट्रीम में आ जाती हैं। तो बीच का रास्ता ये है कि जो एक जो स्वजातीय भक्त हैं उनके बीच में हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। और क्यों डिस्कस करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी इसमें कहते हैं श्लोक में, ये श्लोक है जब भगवान सुखदेव गोस्वामी पूरा वर्णन कर देते हैं वो 5 अध्यायों का, रास पंचाध्याय का, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन श्लोक बोलते हैं। परीक्षित महाराज के मन में डाउट आ रहा था, उनको कोई ये नहीं था, उनको पता था भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, बट और सारे जो असेंबल वहाँ पे थे सेजेस, उसमें से कोई ज्ञानी था, कोई योगी था, तो उनके लिए उनमें मन में डाउट था कि इनको कैसे लगेगा ये रासलीला सुन के, मतलब बिल्कुल संसार से विरक्त हैं और वो कंजुगल पास टाइम सुन रहे हैं, वो भी परकीय भाव में, तो लगा परीक्षित महाराज को कि ये लोग कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे इसको। और उनके मन में एक दया भी थी कि फ्यूचर में जितने भी लोग सुनेंगे वो लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो सुखदेव गोस्वामी इस चीज़ को समझ गए। तो उन्होंने फिर ये श्लोक बोला, बहुत सुंदर श्लोक है, थोड़ा लंबा श्लोक है, आप सुन सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं तो अच्छा है। विक्रीडितम व्रज वधुर्वेदम च विष्णु, बोलो, चलो ठीक है। विक्रीडितं व्रजवधुर्वेदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुषुडयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोग आश्व अपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं यहाँ पे भागवतम में, रासलीला के अंतिम श्लोक है, उसके बाद से दूसरा मतलब थीम शुरू हो जाएगा, कि विक्रीडितम व्रज वधूर्भिर इदम च विष्णु। तो विष्णु, भगवान कृष्ण को यहाँ पे विष्णु बोल रहे हैं, क्यों विष्णु बोल रहे हैं? तो विष्णु का मतलब होता है कि विशते विश्वम इति विष्णु, यानी कि अपना विस्तार करके वो पूरे विश्व में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको विष्णु बोला जाता है। तो यहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार करके वो सारी गोपियों के साथ एक एक इंडिविजुअल भगवान कृष्ण, उन सबको लग रहा था कि मेरे साथ हैं सिर्फ कृष्ण। वे क्रीडितम व्रजवधू भी, तो व्रजवधु यानी कि जो व्रजवधु भी यानी कि जो गोपिकाएं हैं उनके साथ विक्रीडितम, विशेष जो क्रीड़ा की इन्होंने, तो ऐसी लीलाओं को क्या
श्रद्धान्वितो न शुणयाद, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, जो सुनता है ऐसा श्रद्धा पूर्वक शुणयाद, अथवा वर्ण येद्य और वर्णन करता है इन लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का, तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, तो भगवान की पराभक्ति को प्रतिलभ्य, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। और क्या होगा उसका बेनिफिट? कामम हृदि रोग, जो हमारे हृदय में रोग है, काम रूपी जो रोग है, मटेरियल लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सारे इसमें आते हैं हृदि रोग में, तो छह जो रोग हैं वो सारे जो हैं कैसे, बहुत टाइम लगे क्या उनको दूर होने में? आशु बहुत जल्दी, अप ही नोती, मतलब ही ड्राइव सब, मतलब उसके हृदय से सारे के सारे रोग जो हैं बहुत ही जल्दी वो भाग जाएंगे। और फिर क्या होगा, दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे अचिरेण, यानी आशु जल्दी और दूसरा बहुत जल्दी और धीर, ऐसा व्यक्ति धीर बनेगा। तो ये मतलब एक रिजल्ट है, हमारा बेनिफिट है हमारे इस रासलीला को सुनने का। बट सुनना किससे जाए, कैसे सुनना है? तो जो प्रामाणिक वैष्णव है, जो उन्नत वैष्णव, उससे ही सुन सकते हैं। वरना अगर हम मंडेन उससे सुनते हैं किसी बाहर के व्यक्ति से, या फिर हम इधर उधर से कहीं पढ़ते हैं, तो होगा क्या कि हमारे अंदर टेंडेंसी है, मतलब हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, कृष्ण है ही हम, इमिटेटिंग कृष्ण है। तो जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम कृष्णा को पिक्चर से डिलीट कर देंगे और हम खुद इसी पोजिशन में आ जाते हैं। तो देन फिर हमारे लिए वो हृदय रोग को कम करने की बजाय वो हृदय रोग को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सेवन मुख ही जिह्वा तो स्वयं विस्फुरत्यद, कि सेवा भाव से ही, सेवा सेवनमुख होकर ही, जितना सेवा भाव बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग इस रास, इन इन जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है उसको हम समझ पाएंगे। रैलिश करना दूर की बात है, पहले समझ पाएंगे, और दूसरी बात है रैलिश करना, और इसके बाद उस रासलीला में एंटर करना। तो हम आचार्यों के लाइफ से देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिकली, उनका पूरा जीवन एक तरह से वो भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में ही थे। कैसे, जैसे रासलीला का अगर ग्रॉस डेफिनेशन देखा जाए तो गोपियों ने क्या किया, अपनी बॉडी को कृष्णा के इंजॉयमेंट के लिए दे दिया, यही किया था रासलीला में। तो अपने शरीर को कृष्ण के भोग के लिए दे दिया था, वो कृष्ण के शरीर का भोग नहीं करना चाहते थे, अपनी बॉडी को उन्होंने कृष्णा के एंजॉयमेंट के लिए दे दिया। तो हमारे आचार्यों ने भी यही किया है, प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में गए, वो किस लिए, गुरु की आज्ञा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, अपनी बॉडी को पूरा कृष्ण की सेवा के लिए झोंक दिया उन्होंने, और 2 हार्ट अटैक आए, और इसके बाद फिर भी गए, और कितने कष्ट झेलने पड़े उनको। प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि अभी देखो 70 साल का कोई व्यक्ति है और अभी ठंड आने वाली है, तो कितने लोगों को मतलब, और प्रभुपाद जी सन्यासी थे, सन्यासी को दिन में 2 या 3 बार नहाना पड़ता, तो प्रभुपाद जी उस समय उतनी कड़ाके की ठंड थी, बाहर जाते तो बर्फ बर्फ जमी रहती थी, उसमें भी वो जाते थे और बाथरूम भी नहीं होता था उनका जो बताते हैं, और वो जाते थे कहीं वो स्नान करके फिर आते थे वो, और दिन में 3 बार उनके स्नान का नियम था। तो इस कंडीशन में भी वो उसमें डटे रहे, और उसके बाद बहुत कष्ट झेले उन्होंने जीवन के अंत समय तक, अपने लीला के जो जो भौम लीला है प्रभुपाद जी की, उसमें अंत समय तक उन्होंने बहुत बॉडी को पेन दिया। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट को उन्होंने, उनको एक एक मतलब एक सपोर्ट, मतलब उन्होंने मोमेंट को एक देखा कि मेरे अलावा इस मोमेंट को संभालने वाला कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट राइट राइट, प्लीज़ डू योर, आप मैनेजमेंट का काम आप लोग करो, बट फिर भी लोग डिसाइपल्स आते थे उनके पास समस्याएं लेने के लिए, प्रभुपाद जी सुलझाते रहते थे अंत समय तक। प्रभुपाद जी वीडियो देखा होगा आपने लास्ट मोमेंट, वो फिर भी भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कितने ज़्यादा कष्ट झेले उन्होंने, उन्होंने गोवर्धन मठ में जो वहाँ पे है जगन्नाथपुरी में, उन्होंने सारे मायावादियों से, सहजिया से, सबसे झगड़ा मोल ले लिया, और इतना झगड़ा मोल ले लिया कि उनको धमकी मिलने लगी कि इनको जान से मार देंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर को लगा कि ये तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा जाओ कुछ टाइम तुम जाके भजन करो, तब जाके वो गए भजन करने गए।
तो इतना रिस्क लिया उन्होंने और गए वृंदावन में, मथुरा में परिक्रमा, तो गोस्वामी ने अपने मंदिर बंद कर लिए, पत्थर मारे गए उन पर। तो देखा है अब ये लोग आचार्य लोग प्रैक्टिकली रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं इसको। और भक्तिविनोद ठाकुर कितना कष्ट लिया, 2 घंटे 3 घंटे सोते थे और बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। और उनको एक केस आता है कि भैया वो एक फ्रॉड था, वो अपने आप को भगवान साबित कर रहा था, तो उसके लिए वो लिटरली अपनी उनकी बच्ची बीमार हो गई, मरने तक आ गई। वो भक्तिविनोद ठाकुर खुद भी बहुत बीमार हो गए लेकिन फिर भी गए, उन्होंने केस लड़ा और जीते उसमें, कि उसको फिर जेल पहुंचाया। और कितना पेन लिया। और सारे आचार्य ने भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए अपने शरीर को बहुत ज़्यादा, ऐसे उनका शरीर दिव्य है बट फिर भी हमें आचरण के रूप में दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट लिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि सुनना एक चीज़ है, समझना एक चीज़ है, रिलिश करना एक चीज़ है, बट उसमें प्रवेश करना वो अलग चीज़ है, वो फिर आचार्य की कृपा है। और आचार्यों की कृपा से हम भी जो भी अभी वर्तमान आचार्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी कितना रेस्ट करते हैं, वो कितना परिश्रम करते हैं, तो ये लोग एक्चुअली में जी रहे हैं कृष्ण के साथ लीलाओं को। तो इनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा एक जो नेक्टर है उस चीज़ का, जो दिव्य लीलाओं का, वो मिले, जिससे हमारे अंदर जो कितने गंदगी है, सालों सालों से, जन्मों जन्मों से पूरा गंदगी हमारे अंदर पूरा भरा पड़ा है, थोड़ा सा एक नेक्टर का बूंद मिलेगा, वो सारा गंदगी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें आचार्य से प्रे करना चाहिए। और तो आज ये रासलीला के बारे में ये था। और दूसरा अब हम निम्बार्काचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, जनरली हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता, तो जो भी थोड़ा बहुत मेरे को मिला मैंने सुनने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया। सॉरी थोड़ा नोट्स बनाए थे बहुत ज़्यादा करके। तो निम्बार्काचार्य जी कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं? कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं और कुमार संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी बोला जाता है, हंस संप्रदाय। और हंस संप्रदाय और उनको एक सनक आदि संप्रदाय बोला जाता है और एक देवर्षि संप्रदाय बोला जाता है। तो हंस संप्रदाय इसलिए बोला जाता है क्योंकि 11th कैंटो में 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से अपने अस्तित्व के बारे में और भगवान के बारे में पूछा, तो वो नहीं बताए, तो उन्होंने प्रार्थना की, फिर हंस अवतार आते हैं भगवान के 11th कैंटो में, हंस अवतार आते हैं और उनको वो पूरा ज्ञान देते हैं 4 कुमारों को। तो इसलिए इस संप्रदाय का, और वो पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर डिस्कशन है हंस अवतार के बीच में और 4 कुमारों के बीच में। और दूसरा इसका कुमार संप्रदाय भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि 4 कुमारों ने वो ज्ञान उनसे लिया था। और सनक आदि जो 4 कुमार हैं, जो 4 उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, वो उन्होंने ये ज्ञान लिया था। और इसको देवर्षि संप्रदाय भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उनसे ज्ञान लेने के बाद हंस अवतार से ये भी भाई हैं, मतलब पुत्र हैं ब्रह्मा जी के चारों, और जो नारद जी हैं वो भी पुत्र हैं। तो सबसे जो यंग एल्डरली जो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो यही है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर नारद जी हुए, तो उन्होंने नारद जी को दिया ज्ञान, और नारद जी के थ्रू नारद जी ने सीधा फिर वो ज्ञान निम्बार्काचार्य जी को दिया। तो इसलिए इस संप्रदाय के 4 या 5 नाम, और इसमें निम्बार्काचार्य जी के अलग अलग नाम थे। निम्बार्काचार्य एक नाम है, नियमानंद दूसरा नाम है और अरुणी एक तीसरा नाम है, और क्योंकि उनके पिता अरुण उससे आए थे अरुणी, और निम्बादित्य चौथा नाम यह है। तो सारे नीम के उसमें आते हैं। तो एक इनके इसमें स्टोरी ये आती है कि नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, जैसे निमाई ऐसे। दूसरा ये आता है कि एक ब्राह्मण इनके यहाँ आए थे, भोजन करना चाहते थे, तो भोजन करना चाहते थे, अब भोजन करते करते थोड़ा लेट हो गया, शाम हो गई तो फिर अब उन्होंने कहा संध्या के बाद तो मैं भोजन नहीं ग्रहण करता,
तो इन्होंने बताया, आरुणि ने बोला कि नहीं नहीं अभी संध्या नहीं हुई है, कहा नहीं तो अंधेरा हो गया, उनको मैं दिखाता हूँ। तो वो गए नीम के पेड़ पर चढ़े, उन्होंने नीम का डाल उठाया और पीछे देखो देखो सूर्य चमक रहे थे, तो वो अंधेरे में भी वो फिर वो सूर्य आ गए। तो इसलिए इनका नाम निंबार्काचार्य, क्योंकि निंबार्काचार्य जी जो है ये सुदर्शन भगवान के सुदर्शन चक्र है, उनके अवतार हैं निंबार्काचार्य जी। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रामानुजाचार्य जी के बाद और मध्वाचार्य जी के पहले ये फ्लरिश हुए थे, ये निंबार्काचार्य जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हैं शंकराचार्य जी से पहले आए थे, यानी कि शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रोपगेट किया था, प्रचार किया था, लेकिन इन्होंने अपने जो राइटिंग्स हैं उसमें मायावाद को बिल्कुल टच नहीं किया, यानी कि उस समय मायावाद जो है पूरा एग्जिस्टेंस में था नहीं। तो वरना कोई भी वैष्णव आचार्य वो मायावाद को बिना धोए, वो बिना उसको रिफ्यूट किए हुए वो मतलब अपनी कमेंट्री लिखता नहीं। तो इनका ये रू था, क्या बोलते हैं इसको, ये के बारे में, जन्म के बारे में कहा जाता है। और जिनके जन्म के माता पिता के बारे में थोड़ा सा डाउट है, और इनका जो है बताया जाता है, इनका रूप बताया जाता है, ये 7 या 8 रूप हैं इनके अलग अलग पूरे आध्यात्मिक जगत में, एक नहीं 8 रूप हैं। तो कोई कह सकता है कि भैया और क्या 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 रूप है, पहले ये सुन लेते हैं। पहले ये तोष सखा हैं भगवान के, तोष सखा, और दूसरा रंग देवी, रंग देवी सखा भी हैं सखी भी, अलग अलग रस्म में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तीसरा ये घुसुर गाय है वहाँ पे, ये वहाँ पे गोलोक में। चौथा भगवान की स्टिक है, जब जाते हैं भगवान गौचारण में तो भगवान की स्टिक है। पांचवा ये राधा रानी का तेज कांति, अंग कांति। छठा ये राधा रानी की नोजरिंग है, नथनी। छह हो गए, हाँ 1 2 3 4 5 6 7। और सातवां ये सुदर्शन चक्र के अवतार थे, और आठवां ये इस धराधाम में आए हैं निम्बादित्य के रूप में। तो निम्बादित्य मतलब, आदित्य मतलब सूर्य, और निम्ब मतलब जो नीम के पेड़ के पीछे से सूर्य निकला, तो वो इनका नाम पड़ गया निम्बार्काचार्य। तो कोई कह सकता है कि मेरा स्वरूप क्या हो, क्या स्वरूप होगा। तो प्रभुपाद जी थे, वर्तमान कृष्ण महाराज ने पूछा था कि प्रभुपाद जी व्हाट विल माय स्वरूप इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हाट इज माय स्वरूप इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या फिर व्हाट इज माय स्वरूप, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू आर फूल, वो समझ नहीं पाए वो। तो प्रभुपाद जी बहुत डीप इसमें इंटेंट था, कहना चाहते थे कि जब तक एक बद्ध जीवात्मा के अंदर ये चूज करने की टेंडेंसी रहेगी कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो तब तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर ही नहीं किया। क्योंकि ये जो स्वरूप है अलग अलग, वो कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए, कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो इसलिए एक से ज़्यादा भी स्वरूप हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। और दूसरा कि हमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मैं तो ये वाला स्वरूप मेरा तोते का स्वरूप है, ये मयूर का स्वरूप है। कुछ लोग हैं वृंदावन में, वो उसको बताया, किसी ने बता दिया कि भाई आपका मयूर का स्वरूप है, आप तो मोर हो गोलोक धाम में राधा रानी की लीलाओं में, तो क्या कर रहे हैं सब चैंटिंग वेंटिंग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो मोर का पंख पीछे लगा के वो खाली मोर की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो ये फुलिशनेस हमको नहीं करनी, तो हमें कृष्ण की इच्छा। और एक बार गुरु महाराज भगवान सॉरी गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से पूछा था किसी ने कि बोला था कि हमें हम यहाँ से इस्कॉन में रहने के बाद क्या वैकुंठ में जाएंगे या गोलोक में जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे। तो महाराज ने सीधा बोला कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी, कृष्ण हमें जहाँ ले जाना चाहे वहाँ जाएंगे। तो कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ये। तो यहीं से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है कि हम कृष्ण की इच्छाओं को एक्सेप्ट करें और अपनी इच्छाएं ना कृष्ण के सामने रखें। तो गोपियों का यही भाव था। तो ये सुदर्शन, ये निंबार्काचार्य जी का बारे में थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री है, और इनके 4 फेमस
मुख्य शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्य, ये दूसरे वाले दूसरे हैं, श्रीनिवासाचार्य, ओडंबर आचार्य, गौरमुख आचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, चार डिसाइपल्स हैं इनके। और इनके जैसे आचार्यों में देव लगता है, अभी भी वो देव लगता है, जैसे श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास देवाचार्य, ऐसे औडम्बर देवाचार्य और गौरमुख देवाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट देवाचार्य, ऐसे करके इनका देव टाइटल लगता है इसमें। तो इसमें बहुत बहुत पावरफुल आचार्य हैं ये भी इन्होंने बहुत प्रोपेगेट किया। तो ये श्रीनिवास आचार्य, इनके जो शिष्य थे वो पांच जने शंख के अवतार बताए जाते हैं भगवान के, ये निंबार्कर संप्रदाय में। और औडम्बर आचार्य ये भगवान के पुष्प के, जो वैकुंठ से पुष्प हैं उनके अवतार बताए जाते हैं। तो औडम्बर आचार्य के बारे में बताया जाता है, निंबार्काचार्य इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एक पेड़ से एक फल लिया और फल को ऐसे जमीन पर पटका तो उससे एक व्यक्ति निकला, तो बाद में फिर ये औडम्बर आचार्य बने। तो इतने पावरफुल थे। तो ये आचार्य बहुत मतलब अमेजिंग और कई बार विचलित करने वाले तो और दूसरा इनका मेन योगदान जो है, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग योगदान है, पूरा तो को याद नहीं। रामानुजाचार्य जी का क्या है, वैष्णव सेवा और अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा देना आवृतम, शुद्ध भक्ति जो है, प्योर डिवोशनल, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, और रामानुजाचार्य जी से लिया है, मतलब दिया फिर उसको रामानुजाचार्य जी ने प्रोपोगेट किया फिर उनसे लिया सिद्धांत को। नवदीप धाम महात्म्य में आता है, वर्णन आता है कि ये चारों आचार्य जो हैं वो मिले थे महाप्रभु से और उनको एक एक करके जो है दो दो चीज़ों को करने को, प्रचार करने को बोला। और मध्वाचार्य जी को बोला था कि आप मायावाद खंडन, और दूसरा जो डीटीज हैं, विग्रह हैं, साक्षात कृष्ण हैं। तो मध्व संप्रदाय में डीटी वर्षी बहुत मतलब बहुत माइन्यूटली देखते हैं, बोलो डीटी को भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। तो ये है। और रुद्र संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में ध्यान नहीं आ रहा, चलो चलो, ये जो निंबार्क संप्रदाय है इससे उन्होंने जो राधा कृष्ण की युगल उपासना, सिर्फ कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं किया, ये राधा कृष्ण की युगल उपासना वो उन्होंने प्रोपेगेट किया निंबार्काचार्य जी ने। और दूसरा जो प्रोपेगेट किया कि गोपी, गोपियों का जो भाव है वो मूड उन्हें एक्सेप्ट किया निंबार्काचार्य जी ने, कि इसी भाव से हमें वर्शिप करनी है भगवान की। तो दो चीज़ें जो हैं वो उनकी देन है, राधा कृष्ण की युगल उपासना और फिर ये गोपियों का भाव। तो उन्होंने बहुत सारी अपने मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा, कुछ कुछ मतलब जो अपने राइटिंग्स है इसमें इसका बहुत मेंशन किया है। कई लोग बर्थ प्लेस में भी इनके डाउट है, कई कहते हैं गोदावरी नदी, ये साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, कई कहते हैं वृंदावन में जो निम्ब गाँव है गोवर्धन और राधा कुंड के बीच में वहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है, कोई कहते हैं कि ये राजस्थान में कहीं जन्मे थे, तो जो भी है। और दूसरा इनका इस जो निंबार्क संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर है वो सलेमाबाद में है, सलेमाबाद नाम की जगह में, जयपुर से आगे जाके है। तो जैसे जयपुर से आगे जाके है ये, जैसे मकराना मार्बल्स जहाँ मिलते हैं ना, ये जो मंदिर मुझे लगे हैं मकराना मार्बल्स, तो उसी रास्ते में उससे पहले है थोड़ा वो जगह सलेमाबाद में इनका हेडक्वार्टर था। बहुत सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है, मंदिर है श्री जी का, राधारानी को श्री जी बोलते हैं, तो श्री जी का मंदिर है बहुत सुंदर, वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर गुरुकुल टाइप का भी है और बहुत अच्छा है। और वहाँ पर ऐसे मतलब लोग किसी किसी व्यक्ति, एक स्टूडेंट को वहाँ पर बता रहे थे कि पूरा वेदांत सूत्र का कमेंट्री जो उनका है वो याद है पूरा, मतलब इतना ऐसे मतलब इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दूसरा और एक चीज़ और है कि इनका मेन जो विग्रह हैं ये तो राधा कृष्ण के हो गए, और जो नाम जप करते हैं ये, इनको गोपाल मंत्र मिलता है दीक्षा के बाद, एक सीक्रेट मंत्र होता है गोपाल मंत्र, वो मिलता है। और इनका जो मंत्र है, जैसे हमारा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इनका जो मेन मंत्र है वो है राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
तो ये लोग ही चैंट करते हैं, जैसे हम लोग हरे कृष्णा मंत्र करते हैं ऐसे ये मंत्र करते हैं। तो ये इनका मंत्र है। इनका जो हेडक्वार्टर है सलीमाबाद में, उसमें इतनी छोटी एक शालिग्राम शिला है, इतनी छोटी, आप जाएंगे दर्शन होगा, इतनी छोटी शालिग्राम शिला है। तो बताते हैं कि हंस अवतार ने ये जो शालिग्राम शिला स्वयं इनको दिया था चतुर्कुमारों को, फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर चतुर्कुमार को दिया, चतुर्कुमार ने फिर नारद जी को दिया, और इन्होंने 6 महीने तक तपस्या की थी निम्बादित्य जी ने, तब जाके नारद मुनि आए, उन्होंने पूरा ज्ञान भी दिया इनको इस तत्व के बारे, संप्रदाय के बारे में, और दूसरा फिर इनको शिला भी ऑफर की। तो शिला सीधा वहाँ ब्रह्मा जी भगवान के यहाँ से आ रही है, और अभी भी वो शिला है, अभी भी इसकी पूजा होती है सलीमाबाद में, जाएंगे आप तो बहुत छोटी शिला है, आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और ये बहुत मतलब ये राधा कृष्ण की युगल उपासना करते हैं, और इनके जो मतलब मेन ग्रंथ है इसमें से ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादातर इनके जो संप्रदाय में जो आचार्य उन्होंने प्रचार किया राजस्थान महाराष्ट्र की तरफ में और हरियाणा पंजाब की तरफ में इन्होंने प्रचार किया था, बट इसके बाद टाइम के बाद कुछ लॉस्ट हो गए। और इस संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य भी आए हैं, बहुत फेमस आचार्य हैं। तो ये लक्ष्मण भट्ट है, 4 जो मेन डिसाइपल्स हैं, इनके बाद कुछ टाइम बाद आए हमारे केशव काश्मीरी, तो ये बहुत फेमस कैरेक्टर है हमारे चैतन्य चरितामृत में। तो हमें वैसे नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो डिबेट में हार गए उनसे, ऐसे नहीं, वो निम्बार्काचार्य जी के इनकारनेशन है, पावरफुल इनकारनेशन है, और वो महाप्रभु से आशीर्वाद लेने ही आए थे, और इन्होंने जो उनका ग्रंथ है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था वेदांत सूत्र के ऊपर, जो एक टीका लिखी थी निम्बार्काचार्य जी ने, वो पारिजात सौरभ के नाम से फेमस है। तो उस पारिजात सौरभ के ऊपर की कमेंट्री के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी थी केशव काश्मीरी जी ने, बहुत डिटेल्ड में, बहुत पावरफुल है, और उन्होंने भगवद गीता के ऊपर भी कमेंट्री लिखी केशव काश्मीरी, बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है। तो और इनके जो डिसाइपल वो श्री भट्ट इनके केशव काश्मीरी के, ये भी बहुत शक्तिशाली थे, और ऐसे धीरे 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 करके इनके 35वीं गुरु शिष्य परंपरा में एक आचार्य हुए हरि व्यास देव आचार्य। तो जैसे हम इस संप्रदाय में प्रभुपाद जी को या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखते हैं ना, वैसे उन लोगों का रिस्पेक्ट इन हरि व्यास देव आचार्य जी के लिए, बहुत पावरफुल आचार्य थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, और इसी इन्हीं की वजह से वृंदावन में जो निम्बार्काचार्य जी का बहुत ज़्यादा मतलब एस्टेब्लिशमेंट है निम्बार्क संप्रदाय का, आप मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा महावाणी करके, महावाणी, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड है, बहुत ही एग्जॉल्टेड ग्रंथ, जैसे हमारे में गोविंद लीलामृत जो हम जनरली हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि मतलब बहुत एसोटेरिक पास टाइम्स है, तो ये इन्होंने लिखा महावाणी नाम का आचार्य, वो मतलब महावाणी नाम का मतलब ग्रंथ लिखा इन्होंने। और इनके डिसाइपल हुए परशुराम देवाचार्य और हरिभू देवाचार्य, तो ये दोनों ने भी बहुत प्रचार किया, इन दोनों ने भी बहुत ग्रंथ लिखे। तो और दूसरा एक चीज़ और है कि इसमें जैसे इन्होंने कुछ ही, इनके जो राइटिंग्स है वो बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं, तो इन्होंने एक प्रातः स्मरण स्त्रोत्र लिखा है, प्रातः स्मरण स्त्रोत्र, ये राधा कृष्ण का युगल फॉर्म को उपासना करने का ये एक स्त्रोत्र लिखा है उन्होंने। और जैसे मंगला आरती गाते हैं ना, वैसे सलीमाबाद में या निम्बार्काचार्य जी के कोई भी मंदिर में आपको ये प्रातः स्मरण स्त्रोत्र गाया जाएगा, जैसे हम संसार दावनल गाते हैं, तो उसमें पूरा उन्होंने तत्व पूरा मतलब दे दिया है इन्होंने भगवान की पूरा मतलब वर्शिप का। और दूसरा 10 श्लोकी करके एक इनका एक ग्रंथ है, एक राइटिंग है, जैसे हमारा शिक्षाष्टकम है, तो वैसे ये पूरा ये भी डेली जो है रिसाइट करते हैं 10 श्लोकी करके अपने निम्बार्काचार्य जी के निम्बार्क उसमें मंदिरों में। फिर पारिजात सौरभ जो इनका वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है, क्योंकि जनरली एक कन्वेंशनल एक है मान्यता कि कोई भी संप्रदाय प्रामाणिक तभी माना जाता जब उसकी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका हो। तो जो फेमस डिबेट हुआ था किनके बीच में,
बलदेव विद्याभूषण के बीच में और रामानंद वैष्णव के बीच में। तो उन्होंने फिर यही बोला था कि आपकी भाई टीका कहाँ है। तो बट जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे, वही आपके प्रमाणिक होने का एक मापदंड है, वो ऐसा नहीं है। वो भी शंकराचार्य जी ने ही इसको शुरू किया था, ऐसा कोई मतलब कंपल्शन नहीं है। तो बट फिर भी इन्होंने पारिजात सौरभ नाम के वेदांत सूत्र पे एक टीका लिखा, और भगवद गीता के ऊपर इनकी भी कमेंट्री है, और इनकी एक ग्रंथ है प्रपत्ति चिंतामणि। तो ये इन्होंने कुछ राइटिंग्स हैं इनके। तो इनका फिलॉसफी अब देखते हैं क्या है। इन्होंने फिलॉसफी के रूप में, हमारा क्या फिलॉसफी है, अचिंत भेदाभेद। तो इनका क्या फिलॉसफी है, द्वैत अद्वैत, या इनका भी है भेदाभेद ही है, बट इनका अचिंत भेदाभेद नहीं है, इनका क्या है स्वाभाविक भेदाभेद। मतलब भेद भी है अभेद भी है लेकिन स्वाभाविक है। तो ये इनकी फिलॉसफी है, लेकिन इनकी फिलॉसफी में एक इनकम्प्लीटनेस थी, मतलब ऐसे फ्लॉ तो नहीं बोलेंगे, एक इनकम्प्लीटनेस थी। वो क्या थे कि स्वाभाविक भेद अभेद है, यानी कि स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें भेद है अभेद है, नेचुरल है। तो ठीक है, अगर आपको अभेद है तो एक क्वेश्चन उठा कि जो भगवान में जितने भी सारे क्वालिटीज़ हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो अनलिमिटेड हैं पोटेंसी उनके अंदर, तो वो अभेद है तो जीव में भी वही होगा फिर, अनलिमिटेड पोटेंसी, और वो भी तीनों गुणों से ऊपर है, बल्कि ऐसा तो नहीं है। और दूसरी तरफ जीव वो अविद्या के मतलब उसमें पड़ता है और अविद्या का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इसी तरह जो भगवान है उनके ऊपर भी अविद्या का प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि अभेद है ना, दोनों सेम है। तो इस चीज़ को महाप्रभु ने पूरा रेक्टिफाई करके दिया कि नहीं, स्वाभाविक नहीं है वो भेद अभेद, वो अचिंत है, आप चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इन्होंने ये इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है भेदाभेद, इसमें भी इवन चारों संप्रदाय में आपको भेदाभेद तत्व मिलेगा, बट थोड़ा हिडन फॉर्म में मिलेगा। अब महाप्रभु ने पूरा इसको एक्सपाउंड करके दिखाया। और इनका जो फिलॉसफी है मेन, स्वकीय भाव में, स्वकीय भाव परकीय भाव दो होते हैं। ये लोग राधा कृष्ण को हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं ये। हमारे लिए क्या है, कंजुगल पास टाइम है, दे आर मतलब एक्सटर्नल पैरामोर के रूप में देखते हैं इसको हम लोग। मतलब परकीय भाव मतलब ही इज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जैसे मंडेन उसमें कहते हैं परकीय भाव वो है। तो इन लोगों के अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो विलुप्त हो चुके हैं निम्बरकाचार्य जी के। तो इन जो के इन संप्रदाय में बहुत कुछ है नहीं इनके पास उसको कोर स्टडी करने के लिए। तो ये लोग भी हमारे मतलब वैष्णव आचार्यों का, जैसे जीव गोस्वामी का मेन ग्रंथों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं षट संदर्भों का। बट इसमें थोड़ा इनका भाव का डिफरेंस आता है, स्वकीय भाव परकीय भाव। तो परकीय भाव इतने ब्रजेते प्रचार, तो महाप्रभु क्या है, परकीय भाव का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो गोलोक में सबसे टॉप मोस्ट रसा जो है वो परकीय भाव है। और इवन मंडेन भी देखे, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है ना। तो इस मंडेन वर्ल्ड में भी कोई किसी को सबसे ज्यादा मजा आता है वो एक्स्ट्रा मतलब वो परकीय भाव, इन द सेंस कि वो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही सबसे ज्यादा मजा आता है उसको, या एक्स्ट्रा अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उसमें ही सबसे ज्यादा वो आनंद लेता है वो जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा। तो वही चीज़ वो स्पिरिचुअल में परवर्टेड फॉर्म में यहाँ पे, और प्योर फॉर्म में वो धाम में अवेलेबल है। तो इनमें थोड़ा बहुत ये विवाद भी रहता है। एक बार एक निबार का संप्रदाय के किसी आचार्य ने कोर्ट में केस कर दिया था कि ये संप्रदाय आपका प्रमाणिक नहीं है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। क्यों? क्योंकि आप भी राधा कृष्ण की सेवा करते हो, हम भी राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, आप भी गोपियों को टॉप मोस्ट मानते हो, हम भी गोपियों को टॉप मोस्ट मानते हैं, हमारा भी लक्ष्य हुई, आपका भी लक्ष्य हुआ है, तो आप अपने आप को अलग से क्यों कहते हो? तो आप या तो हम अपने आप को सबमिट कर दो और निम्बार्क संप्रदाय घोषित करो, अपना अलग नाम क्यों रखते हो? तो भक्ति सांसद महाराज के डिसाइपल ने बहुत ही पावरफुल फिलोसफिकल लेटर लिखा, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था, लेटर लिखा संस्कृत में, तो संस्कृत में पूरा लेटर लिखा और ये गया उनके पास, उनके हेड के पास,
हेड के पास गया तो उन्होंने पढ़ा, बहुत सुंदर उन्होंने जस्टिफाई किया था कि देखो हो सकता है गोपियां आपके उसमें भी पूजनी है, हमारे उसमें भी पूजे, राधा कृष्ण के साथ आप भी करते हम भी करते, लेकिन भाव जो मूड है वो डिफरेंट है। आपके लिए गोपियां और राधा रानी क्या है, कब कृष्ण मतलब उनका मूड क्या है, जब कृष्ण और राधा रानी मिलते हैं, जो मिलन का भाव है उसको आप टॉप मोस्ट मानते हो, जब मिलते हैं जो जुबिलेशन होता है राधा रानी और कृष्ण को मिलने में वो आप टॉप मोस्ट मानते हो। लेकिन हम लोग जब विरह होता है भगवान का गोपियों से, राधा रानी का भगवान कृष्ण से, तो जो उनका जो मूड है विप्रलम्ब भाव उसको हम टॉप मोस्ट मानते हैं। तो वो समझ गए निम्बार्क आचार्य, फिर उन्होंने केस वापस ले लिया। तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कि मतलब, और एक चीज़ और आती है कि जैसे एक बार मतलब उन्होंने बोलने लगे निम्बार्क आचार्य दोबारा कि आपका जो संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि अभी वृंदावन में बहुत चीज़ें चल रही हैं। अभी वृंदावन में क्या चल रहा है कि जो अब ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मतलब गौड़ीय संप्रदाय, वो चार संप्रदाय के अंदर मानते ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि आपका पंचम अलग से कोई पांचवा संप्रदाय है, आप इसको अपने चारों में ऐड मत करो, अलग बोलते हैं। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भक्ति गौड़ीय मठ में एक हुए हैं मतलब भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के शिष्य, उन्होंने 18 साल लगाए एक बुक लिखने में। तो उस बुक में उन्होंने पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि हम लोग ब्रह्म मध्व संप्रदाय से ही बिलोंग करते हैं, और अलग अलग उनके जो मध्व संप्रदाय के अलग अलग आचार्यों की राइटिंग से उनसे उन्होंने निकाल निकाल के दिखाया कि देखो यहाँ पे गोपियों का भाव है, यहाँ पे राधा कृष्ण की से का वर्णन आया है, लेकिन वो छुपे रूप में था। उन्होंने उस चीज़ को जो है वो एक्सपाउंड नहीं किया था मध्व संप्रदाय के उसमें। तो इसलिए फिर और इसलिए भी महाप्रभु ने बोला उनको, तुम्हारा संप्रदाय कि तुम्हें तो तत्ववादी हो, तो तुम तत्व में उलझ के रह गए, तुम रस को पकड़ ही नहीं रहे भगवान के, जिसके लिए आए थे वो तो पकड़ ही नहीं रहे तुम। तो इसलिए उन्होंने कहा ये तुम्हारा संप्रदाय, तो उन्होंने यहाँ से उनको कर दिया। क्योंकि प्रिंसिपल्स हमारे भी वही हैं, वही उनके भी वही हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या गोल अचीव हम कर सकते हैं वो उनको नहीं पता हो, मतलब मध्य संप्रदाय वाले इसमें लैक करते हैं थोड़ा, क्योंकि उनके में क्या है द्वैत है, दो हैं, यानी कि जीव और भगवान दोनों अलग हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है कि जीव भगवान एक भी हैं अलग भी हैं। तो इस तरीके से उनका जो डीलिंग्स है आपस में, या जो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स उनको लेके उनका जो फिलॉसफी है वो थोड़ा हमसे डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे जानने के लिए इन आचार्यों के बारे में। बहुत प्योरीफाइंग कैरेक्टर है निम्बार्क आचार्य जी का, क्योंकि यही वास्तव में लेके आए थे इस धराधाम पे, जो मतलब कलयुग में, अब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कलयुग में ही ये चारों संप्रदाय हैं, या फिर इस पृथ्वी पे या इस भारतवर्ष में ही चारों संप्रदाय हैं, क्योंकि ये 14 लोकों में ये सारे संप्रदाय हैं, मतलब स्वर्ग में भी हैं, उससे ऊपर भी हैं, जनलोक तपलोक नीचे भी सब जगह हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से शुरू हुए हैं चारों संप्रदाय, लक्ष्मी देवी से श्री संप्रदाय, शिवजी से रुद्र, और चार कुमार से कुमार, और हमारा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं है, वो चारों लोकों में है, मतलब सॉरी 14 लोकों में है, तो हर जगह वो प्रचार करते हैं अपने इसका। तो चारों संप्रदाय मौजूद है पूरे 14 लोकों में, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से एक विशेष कार्य से कि मायावाद को डिफीट करना है, इसके लिए चारों आचार्यों ने अपना विशेष विशेष कुछ योगदान दिया। तो आज ये था जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया निम्बार्क आचार्य जी के बारे में, कुछ बता पाया आप लोगों को, कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो भी है जितना प्रमाणिक देने का प्रयास किया तो ठीक है। आप सब लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं होगा इसमें? नहीं नहीं, श्री जी बोलते हैं वो, नहीं ऐसे नहीं बोला, वो राधा रानी को वहाँ पे श्री जी बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय वाले। हाँ दोनों के बहुत सुंदर विग्रह हैं, आप जा सकते हैं कभी इसको मिला, बहुत सुंदर है, अब प्रमाणिक है पूरा। और मेरे को लगा तो सबसे छोटी शिला जो शालिग्राम शिला वो अवेलेबल है वहाँ पे, इतनी छोटी है मतलब, तो वही ब्रह्मा जी ने दिया था उनको चार कुमारों को, वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे करके ये निम्बार्क संप्रदाय से अभी भी आ रहा है। और इसमें बहुत सारे पावरफुल आचार्य भी हैं, बट बीच में क्योंकि
होता है एवं परम सकाल ने मष्टा योग नष्टा योग परंत पर बहुत सारी राइटिंग्स जो प्योर टीचिंग्स हैं वो लॉस्ट हो गई, इसलिए फिर इनके पास कुछ जनरली कुछ वैसा मतलब जो सॉलिडिफाई करने का होता है अपने उसको फिलहाल उसको बहुत कम है, तो इसलिए जो सीनियर जो इनके है सन्यासी वो भी हमारे संप्रदाय को ही कुछ बुक्स पढ़ते हैं। इनके पास ध्यान नहीं है मेरे को बट इनके ये भागवतम इनके हमारा तो श्रीमद् भागवतम है, मध्य संप्रदाय का है महाभारत, और जो श्री संप्रदाय का है वो है रामायण विष्णु पुराण, बट इनका मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं पर सुना था मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगा। ठीक श्री ये हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे राशलीला के ऊपर थोड़ा सा बताया था, तो इसमें जैसे कृष्ण का जो आचरण हम जो भौतिक अभी जो कई भौतिकवादी हम जो देखते हैं वो कृष्ण के आचरण को थोड़ा अपने में परवर्टेड फॉर्म में यहाँ पे भी बोलते हैं कि हम कृष्ण ऐसे करते थे तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी जैसे आचरण तो हम कर रहे हैं पर कुछ आचार्य टीकाएं जो राशलीला के ऊपर आपने कहा कि अनर्था को दूर करने का सुनने का आया था, तो कुछ आचार्य टीकाएं और हैं जिसके ऊपर हम कुछ उसको और समझ सकें राशलीला के ऊपर कि क्या है कुछ और टीकाएं वगैरह कुछ आचार्य अवेलेबल हैं, बट उसके लिए पहले अधिकार डेवलप करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। अधिकार वो है वैष्णवों की सेवा से गुरु की सेवा से, गुरु और वैष्णव ही अधिकार देते हैं वो चीज़। अब प्रेजेंट ये है कि हम लोग राधा गोविंद महाराज के लेक्चर सुन सकते हैं, मतलब उन्होंने दिया भी है उस पर प्रेजेंटली, और भी सीनियर वैष्णवों से आप कंसल्ट करके, क्योंकि और प्रभुपाद जी की आप पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक, इस कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ने पूरा फिलॉसफी और रसा दोनों दिया हुआ, तो इससे आपके जो कॉन्शियसनेस है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो कृष्ण की एंजॉइंग टेंडेंसी से आप प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। वो कोई कहता है कि मैंने पूरा भागवतम पढ़ा और अब बड़े प्राउड से बताते हैं कि मैंने रासलीला 5 अध्याय को मैंने छोड़ दिया, तो उसमें क्या छोड़ने वाली बात है, तो दुख की बात है ना, पढ़ नहीं पा रहे भगवान की। अब आप पढ़ेंगे रासलीला से कुछ चैप्टर पहले जब मैं 10th कंठ पढ़ा था तो उसमें देखेंगे सुखदेव गोस्वामी का माइंड पूरा भाग रहा है उस रासलीला की तरफ। क्यों वो भाग रहा है? क्योंकि जानते हैं वो जीवात्मा। और हाँ, प्रभुपाद जी किस में बोलते हैं, द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम एक बुक है छोटी सी, सर्वोत्तम योग पद्धति, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज रासलीला। रासलीला कृष्णा द लॉर्ड ही इज इटर्नल एंड जीवा ही इज ऑल्सो इटर्नल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑल्सो इटर्नल एंड द रसा द डिराइव फ्रॉम दैट इटर्नल रिलेशनशिप इज रासलीला। तो प्रभुपाद जी उस बुक में लिखते हैं, बहुत सुंदर है, मतलब पढ़ा तो मेरे को मतलब तत्व से बता रहे हैं प्रभुपाद जी रासलीला का, तो इतना सुंदर है आप पढ़ सकते हैं इसको बट सीनियर वैष्णव की गाइडेंस में, और पढ़ना ही चाहिए। देखिए दो तरह के लोग मतलब इन पढ़ने के लिए इनके लिए मना ही है, कौन लोग नहीं पढ़ सकते, पहले या जिनका जिनका जो है भाव दूसरा है, वात्सल्य भाव में देखते हैं, मतलब उन्होंने भाव डेवलप कर लिया है वात्सल्य भाव के प्रति, मैं वात्सल्य भाव के रूप में देखते हैं भगवान कृष्ण को, तो उनके लिए नहीं रिकमेंडेबल है और उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मूड डिफरेंट हो जाता है। और दूसरा जिसको पढ़ने से जो उनकी जननेन्द्रियों में जिसको विकार आने लगे उसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो लेकिन दूसरे वाले को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए वात्सल्य भाव जिसका डेवलप हो गया है। लेकिन इनके लिए सोल्यूशन ये है कि किसी वरिष्ठ भक्तों से सीनियर भक्तों से इसको श्रवण करें, हृदय में थोड़ा ग्रेविटी आएगी तो फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल ही यही है और इसी से हमारा जो काम रोग जो है दूर होगा, क्योंकि लष्ट का कष्ट सबको ही है संसार में, तो इससे दूर कर रहे हैं। आप सोचिए जो भगवान की जो लीलाएं हैं दिव्य लीलाएं हैं उसी को पढ़ के आप बस पढ़ के सुन के समझ के आप इस लष्ट से दूर हो सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इस लष्ट को, दूर हो सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, क्योंकि लष्ट हमारा जो है वो नित्य वैरी है, नित्य मतलब नित्य है। हम भी नित्य हैं अभी संसार में, ये वैरी भी हमारा नित्य है। भाई कोई दुश्मन है किसी का तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, रिवॉल्वर लेगा राइफल लेगा वो शूट करेगा, उसको बहुत गुस्सा होगा तो सारी की सारी गोलियां उतार देगा उस पर, यही करेगा ना, और या और भी ज़्यादा गुस्सा होगा तो उसको मतलब जला देगा कुछ करेगा उसको, इतना गुस्सा होगा। कई बार लोग छोटे छोटे पीस करके मतलब सुनने में आता है कितना गुस्सा निकाल सकता है, लेकिन एक बार बॉडी ख़त्म तो दुश्मनी ख़त्म। लेकिन लस्ट ऐसा है
कि आपको जीवन भर आपके साथ रहता, आपका शरीर खत्म हुआ फिर दूसरा शरीर मिलेगा, इसमें भी लस्ट आएगा आपका, फिर आपको गिराएगा, फिर दोबारा शरीर मिलेगा, फिर लस्ट आएगा आपका, ऐसे करते 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 नित्य वैरिणा है। ऐसे कितना पावरफुल है, लेकिन उसको हम क्या है, बस भगवान की लीलाओं को सुन के समझ के हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। तो इसको रिस्पेक्टफुली हमें देखना चाहिए, रिस्पेक्टफुल। अगर कुछ दिक्कत आ रही है इसको पढ़ने में, देन वी कैन डिस्कस विद द अथॉरिटी, तो उनको बोलेंगे रुक जाओ अभी कैसे पढ़ो, बट स्टिल गोल हमारा यही है, इसको नहीं बोलना चाहिए। महाप्रभु यही तो देने आए, महाप्रभु हमें यही देने आए। ठीक है, एक प्रश्न और है किसी का, बस एक सेकंड का प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे हमारे कृष्ण भगवान के रानियां थी 1008, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो राधा रानी जो प्रज्ञा भाव में है, ठीक है, तो हम राधा रानी और कृष्ण युगल का पूजा करते हैं, तो उनके जो रुक्मणी हैं और जो जितने हैं उनकी पूजा मैं क्यों नहीं करते हैं? क्या राधा रानी का भी विवाह हुआ था कृष्ण से? ये थोड़ा अगर कुछ बता सके तो। क्वेश्चन आपके दो है ना, एक तो राधा रानी का विवाह हुआ था या नहीं, दूसरा रुक्मिणी जी की पूजा क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने जनरली ये राधा कृष्ण के विग्रह ही इस्टेब्लिश किए हैं हर जगह, इवन आप देखो वेस्ट में भी जाके वो राधा कृष्ण के ही डिटीज इस्टेब्लिश किए हैं उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि अब प्रभुपाद जी का हमें मूड समझना पड़ेगा, प्रभुपाद जी क्या देना चाहते थे। जैसे जय राधा माधव हम गाते, डेली गाते हैं हम लोग, मतलब भागवतम से पहले, और गौड़िया मठ में आप जाएंगे तो वो बहुत इंटीमेट मानते हैं इस चीज़ को, जय राधा माधव को, नहीं भाई वो सबके सामने नहीं गा सकते, वो तो सीधा अपने मतलब आपके स्वरूप में आप हो तब आप गा सकते हो, आप उसको अपने किसी नित्य रूप में, तो वो उसको बहुत ज़्यादा एसोटेरिक मानते हो। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरू में ही दे दिया उसको, तो इसलिए हमें मूड समझना चाहिए प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो वर्शिप है वो राधा कृष्ण की है, वो चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हर जगह गौर नेताई और राधा कृष्ण एस्टैब्लिश की। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे गौर का दादर मिलेंगे आप गौड़िया मठ में जाता, गौर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के ज़्यादा विग्रह नहीं मिलेंगे आपको, प्रभुपाद जी लेके आए नित्यानंद प्रभु को, क्यों? क्योंकि उनको प्रीचिंग करनी थी, तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा तो चाहिए प्रचार करने के लिए, तो इसलिए वो लोग लाए। बाकी विवाह किया था, ऐसी बात, विवाह किया था, एक जगह है ब्रह्मांड घाट कौन सा है, ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था इनका मांडीरवन में, ब्रह्मा विवाह करवाया था। और ये सब मंडेन चीज़ें, विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, ये बाहर के लोगों के लिए, हमें तो ये पहले समझना पड़ेगा ना कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, उसके बाद ही हम लोग आगे जा देख सकते हैं कि क्या ऊपर क्या चल रहा है। मतलब विवाह नहीं हुआ तो क्या, विवाह नहीं हुआ तो क्या हम इनको वर्शिपेबल नहीं मानते राधा रानी को? राधा रानी इन्हीं का ही एक एक्सपेंशन, मतलब खुद कृष्ण का ही है ना एक विस्तार, तो उसमें विवाह मतलब तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी, मतलब विद इन, क्योंकि पीछे बहुत कुछ आचार्य लोग बहुत मतलब कर चुके हैं इसे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बुक ही लिखी है द एक्सीलेंस ऑफ परकीय भाव, इसके ऊपर तो आचार्य लोग बहुत ये कर चुके हैं काम पूरा, तो इसलिए प्रभुपाद जी तो दे रहे हैं टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट, इसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, श्रील प्रभुपाद की छः सात स्वरूप, सात या आठ सखा हैं, सखी हैं, गाय हैं, स्टिक हैं, राधा रानी के अंग कांति हैं, राधा रानी के नोज रिंग है, सुदर्शन चक्र है। मुझे पता नहीं, जैसे हमारा गायत्री मंत्र होता है वो थोड़ा सीक्रेट होता है, तो ऐसे ही इनका जहाँ तक मुझे पता होगा, दीक्षा देते होंगे देते हैं, बट मुझे नहीं पता इनका, मतलब जैसे हमारा गायत्री मंत्र है ब्राह्मण दीक्षा में, तो उसी टाइप का इनका गोपाल मंत्र। कौन सा वो गोपाल मंत्र? नहीं नहीं, हाँ जगाते हैं ना, जैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र उनका वैसे निवार, वृंदावन में जाएंगे राधा कुंड में जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, पोस्टर्स बने हुए मिल जाएंगे राधे श्याम।
ये देखना पड़ेगा, मुझे तो इसमें आइडिया नहीं है इसका, मैं इसका आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा इसका तो। ठीक है, श्रीमद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। निम्बार्काचार्य आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण रथ यात्रा महामहोत्सव की। तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव की जय। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की समस्त गौरव भक्त वृंदा।